हरियाणा सरकार के खिलाफ लगभग 8000 से ज्यादा आरटीआई लगाने वाले, खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट बताने वाले और बीजेपी सरकार पर लगातार करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले हरिंदर ढींगरा, जो हमेशा ही ये कहते थे कि खट्टर सरकार हरियाणा की सबसे खटारा सरकार है, आज वो खुद हरिंदर ढींगरा बेईमाने के कटघरे में खड़े हैं। दरअसल हरिंदर ढींगरा और उनकी पत्नी पूनम ढींगरा और उनके बेटे प्रशांत और तरुण ढींगरा पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने बैंकों के साथ करीब 15 करोड़ रुपए का गबन किया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि हरिंदर ढींगरा, उनकी पत्नी पूनम ढींगरा, उनके बेटे प्रशांत ढींगरा और तरुण ढींगरा ने एक ही प्रॉपर्टी पर लगातार अलग अलग बैंकों से लोन लिया है, कभी हरिंदर ढींगरा के नाम पर तो कभी उनकी पत्नी और बेटों के नाम पर। वही बैंकों से लिया गया लोन का पैसा ना भरने की नीयत से बैंकों के साथ धोखाधड़ी, अदालतों में झूठी सूचना देकर जाली दस्तावेजों के आधार पर फ्रॉड किया है। सुनिए कि कैसे भ्रष्टाचार के विरोध करने वाले हरिंदर ढींगरा ने बैंकों के साथ षड्यंत्र रचा है। ये हरिंदर ढींगरा और उसके पूरे परिवार के खिलाफ, उसके दोनों लड़के प्रशांत और तरुण, अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ दोष कहते हैं बैंकों से लगभग 12-13 करोड़ रुपए गबन करने के बारे में प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच पिछले करीब एक माह से चल रही थी। एसीपी डीएलएफ ने इसकी जांच की है, जो जांच के उपरांत मुकदमा दर्ज किया था और दर्ज करने के बाद आज इनको, आरोपियों को काबू किया गया और काबू करके इनसे पूछताछ जारी। सर, ये कब का मामला था और किन किन धाराओं में तहत? ये इन्होंने पूरे परिवार ने एक साजिश के तहत वर्ष 2003 में पहले इंडियन ओवरसीज बैंक से लगभग 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था और वो जो अकाउंट था 2004 में एनपीओ हो गया था और बाद में डेबिट ट्रिब्यूनल ने इसको रिकवरी के लिए, इनकी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, उस मकान की रिकवरी के लिए ऑर्डर जारी कर दिए थे अटैचमेंट के, और इसी दौरान में इन्होंने इस प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा से ओबीसी बैंक से, जो अब पीएनबी बन चुका है, उससे भी लगभग 7 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उस लोन को भी नहीं भरा और इस प्रॉपर्टी को कोर्ट को गुमराह करके एक दूसरे के नाम ट्रांसफर करते रहे और पैसा लोन का हजम किया और कोर्टों के अंदर झूठे तथ्य पेश करके इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक दूसरे के नाम ट्रांसफर किया है। जब सर, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? 620, 66, 67, 71, 120 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल धारा 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये वही हरिंदर ढींगरा है जो पिछले साल खट्टर सरकार पर 57,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगा रहे थे और आज ये खुद धोखाधड़ी करते हुए पकड़े गए हैं।